हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूके के एक अहम स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के नाम पे जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 2022 के लिए जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की कॉल आई है उसके बारे में सारी मालूमात प्रोवाइड करूँगा। इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन की जो कॉल है वो आजकल ओपन है और 20 सितंबर 2021 से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का वो ओपन हो चुका है और इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर 2021 है। जब कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की ये कॉल ओपन हुई तो मैंने बहुत सारे दोस्तों को इसका लिंक शेयर किया, अपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी ये वाला लिंक शेयर किया ताकि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों से और अपने स्टूडेंट से इस स्कॉलरशिप का लिंक शेयर किया जिसकी कॉल आजकल ओपन है, तो उनमें से बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल्स मौसूल हुई जिसमें बहुत सारे सवाल थे, मसलन कि ये जो स्कॉलरशिप है ये किस टाइप का है, किस डिग्री के लिए है, इसमें स्कॉलरशिप की वर्थ क्या है और इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल थे जो मुझे रिसीव हुए। इस पर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस का डिफरेंट लोगों को आंसर करूं, तो इससे बेहतर है कि मैं एक इस स्कॉलरशिप के हवाले से एक वीडियो बनाऊं और उसमें वो सारी मालूमात जो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए दरकार हैं वो सारी समरी की शक्ल में आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। दोस्तों, ये वाला स्कॉलरशिप जो दुनिया के अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं उनमें से एक है और मैं एज ए रिसर्चर, एज ए यूनिवर्सिटी टीचर, जो फंडिंग सोर्सेज हैं या डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं या ग्रांट्स हैं उन पर नज़र रखता हूं। और मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो ये वाला स्कॉलरशिप है ये पीएचडी या मास्टर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ये वाला स्कॉलरशिप कैसे विन कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दरकार है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी मालूमात फराहम करूंगा जो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको दरकार है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जहां पर मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको स्कॉलरशिप के लिए दरकार हैं या एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए दरकार हैं वो मैंने आपके लिए जमा की हैं। 2022 के कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप को तीन मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फुल पीएचडी स्कॉलरशिप है जो कि 3 साल का है, फुल मास्टर स्कॉलरशिप है जो कि 1 साल का है और स्प्लिट साइड पीएचडी स्कॉलरशिप है वो भी 1 साल का है। जो फुल पीएचडी स्कॉलरशिप है वो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एमफिल की डिग्री है या एमएस की डिग्री है, यानी आपके पास अगर 18 ईयर एजुकेशन है तो आप फुल पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है तो आप मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप पाकिस्तान के अंदर पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल हैं और फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से आप अपनी रिसर्च इन टाइम कंप्लीट करने से कासिर हैं तो आप स्प्लिट साइड पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए 1 साल के लिए यूके की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि फुल पीएचडी स्कॉलरशिप और फुल मास्टर स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन की कॉल ओपन हो चुकी है और 1 नवंबर 2021 फुल पीएचडी स्कॉलरशिप और फुल मास्टर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट है, जबकि स्प्लिट साइड पीएचडी स्कॉलरशिप की कॉल नवंबर में ओपन होने जा रही है और अभी ओपन नहीं है। इन स्कॉलरशिप के हवाले से अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने दो लिंक्स
यहां पर दिए हैं जो कि आपके आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें से एक HEC का लिंक है जबकि दूसरा CSE की वेबसाइट का लिंक है, जहां से आप इन तीनों स्कॉलरशिप के हवाले से और इनके अलावा जो स्कॉलरशिप हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है इसकी वर्थ क्या है, इसमें जो फंडिंग दी जाती है वो किस किस चीज को कवर करती है। तो इस स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कॉमनवेल्थ कितनी फंडिंग देगा और वो फंडिंग आप किस किस मद में यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है वीजा फी, जो कि आपको नहीं देनी पड़ेगी। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन जो है यानी CSE, वो आपकी वीजा फी जो है वो डायरेक्ट पे करेगा, आपको अदा करने की जरूरत नहीं होगी। कॉमनवेल्थ यानी CSE आपको रिटर्न एयर फेयर देगा। दूसरा ये कि जब आप UK पहुंच जाएंगे तो CSE की तरफ से आपको वेलकम पार्टी दी जाएगी और उसके वो वेलकम पार्टी लंदन में दी जाएगी, और आप UK के किसी भी सिटी में होंगे, आप ट्रैवल करके लंदन आएंगे तो उसके जो सारे अखराजात हैं इंक्लूडिंग अकोमोडेशन वो CSE पे करेगा। इसके अलावा अगर आप फुली फंडेड PhD स्कॉलर हैं और आपने 3 साल UK के अंदर गुजारने हैं तो CSE आपको एक मिड टर्म एयर फेयर भी आपको देगा, यानी आप दरमियान में किसी भी टाइम अपने होम कंट्री का विजिट कर सकते हैं, उसका जो एयर फेयर होगा वो भी CSE अदा करेगा। मोर ओवर इसके अलावा स्टाइपेंड की शक्ल में जो CSE आपको अमाउंट पर मंथ देगा वो 1133 pounds है, जो कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2,62,191 rupees बनते हैं आज के रेट के मुताबिक। और ये कि अगर लंदन मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी फॉल करती है तो फिर आपको अमाउंट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, जो कि 1390 pounds पर मंथ होगी। अगर उसको आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 3,21,664 rupees बनते हैं, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। अगर आप इसका कंपैरिजन पाकिस्तानी फंडिंग एजेंसी या दूसरे स्कॉलरशिप के साथ करें तो उनके मुकाबले में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल पंजाब HEC या HEC पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप की मद में जो स्टाइपेंड देता है वो 750 pounds है, जो कि इसके मुकाबले में बहुत कम है, जबकि यहाँ पर मास्टर और PhD के लिए आपको जो फंडिंग मिल रही है वो काफ़ी रीजनेबल है और आप इसमें से कुछ अमाउंट सेव भी कर सकते हैं। अलावा जी ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें न सिर्फ एप्लीकेंट को स्टाइपेंड दिया जाता है बल्कि एप्लीकेंट की जो फैमिली है उसको भी सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर स्पाउस आपके साथ है, आप और स्पाउस UK ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पर मंथ स्पाउस के लिए 244 pounds मिलेंगे। और अगर आपके किड्स भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें अगर आप के साथ एक ही चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है, तो फिर 244 pounds पर मंथ आपको चाइल्ड के लिए मिलेंगे। और अगर आपके साथ 3 children ट्रैवल कर रहे हैं तो हर सेकंड और थर्ड चाइल्ड के लिए जो आपको अमाउंट मिलेगी वो 120 pounds होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके बच्चे 16 साल की एज से कम के हों, और ये कि अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो उस केस में आपको फर्स्ट चाइल्ड के लिए 485 pounds मिलेंगे, जबकि सेकंड और थर्ड चाइल्ड अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए आपको 120 pounds फॉर ईच मिलेंगे। इसके अलावा CSE आपको इस स्कॉलरशिप की शक्ल में हेल्थ इंश्योरेंस देगा। CSE आपको वार्म क्लॉथिंग अलाउंस भी देता है। ये एक रीजनेबल अमाउंट होती है। जब आप UK पहुंचते हैं तो ये फर्स्ट मंथ का जो स्टाइपेंड होता है उसके साथ ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके अलावा आप UK में जब रिसर्च कर रहे होते हैं और आप अपने रिजल्ट्स को किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रैवल ग्रांट की मद में भी आपको CSE
पैसे देता है। ऐसे ही अगर आप कोई फील्ड वर्क आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो वो जो फील्ड वर्क के अखराजात हैं वो BCSC बर्दाश्त करेगा। और ये कि अगर आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आपका जो लगेज है वो काफ़ी हैवी हो गया है तो उस लगेज या बैगेज के जो एक्सपेंसेस हैं एडिशनल वेट के वो भी BCSC बर्दाश्त करेगा। आप नोट करें कि ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें बहुत सारे आप को एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि बाकी स्कॉलरशिप के अंदर नहीं है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए एफर्ट करनी चाहिए और इसको अवेल करने या विन करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मेरे एक दोस्त इस स्कॉलरशिप को शाही स्कॉलरशिप का नाम देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने की डेडलाइंस क्या हैं? तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप फुल मास्टर या फुल PhD स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है वो 1 नवंबर 2021 है। चाहे आप मास्टर के लिए सबमिट करने जा रहे हैं, चाहे आप फुल PhD के लिए सबमिट करने जा रहे हैं, और जबकि स्प्लिट साइड जो PhD स्कॉलरशिप है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो अभी ओपन नहीं है, नवंबर में उसकी कॉल दी जाएगी। जबकि डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो डेट है वो 22 नवंबर 2021 है। इनसे मुराद कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? इनसे मुराद 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन के लिए सबमिट होने हैं। उनमें से एक तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगी जो आपका होस्ट सुपरवाइजर ऑनलाइन सबमिट करेगा, और 2 रेफरेंस लेटर होंगे जो आपने रेफरीज एप्लीकेशन के अंदर सजेस्ट किए होंगे, वो 2 रेफरेंस लेटर अपलोड करेंगे। असल में तरीकाकार ये होगा कि जब एप्लीकेशन में आप होस्ट और अपने रेफरीज का डाटा पुट करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो एक ऑटोमेटिक ईमेल जो है वो आपके होस्ट सुपरवाइजर और आपके जो सजेस्टेड रेफरीज हैं उनको चली जाएगी। जो सजेस्टेड रेफरीज हैं वो इंडिविजुअल अपने लेटर बनाएंगे और आपकी एप्लीकेशन के हवाले से वो लेटर होंगे, और वो जो ईमेल उनको रिसीव हुई होगी उसके अंदर एक लिंक होगा, उस पर अपलोड कर देंगे। जबकि आपका जो होस्ट होगा या UK के अंदर जो आपका रिसर्च एडवाइज़र होगा जिसके पास आप काम करने जा रहे हैं वो एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो है वो अपलोड करेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स 22 नवंबर से पहले पहले अपलोड हो जाने चाहिए, उनके लिए डेट ये है। उसके बाद जो फुल PhD स्कॉलरशिप है और फुल मास्टर स्कॉलरशिप है उसके लिए आप बैक वक्त 2 एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एक एप्लीकेशन आप CSE को सबमिट करेंगे और एक एप्लीकेशन जो है आप अपनी नॉमिनेटिंग एजेंसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन को सबमिट करेंगे। तो जो आपकी नॉमिनेटिंग एजेंसी है वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी और आपकी स्क्रूटनी करेगी और फिर फाइनल जो नॉमिनेशन है वो CSE को सेंड करेगी, और आपकी नॉमिनेटिंग एजेंसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन HEC जो है वो 22 दिसंबर को फाइनल नॉमिनेशन CSE को सेंड करेगा। तो ये डेडलाइंस थी जो 2022 के कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए है। सवाल ये पैदा होता है कि इन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पर है। इसके लिए अगर आप मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर आप PhD स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर आप स्प्लिट साइड PhD स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर आपको पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में PhD में इनरोल होना चाहिए, और यह कि आपको पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, क्योंकि जो 2022 के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन ने जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट जारी की है
उसमें आपके कंट्री का नाम आना चाहिए और पाकिस्तान का नाम 2022 वाले जो कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप के कंट्रीज की लिस्ट है उसमें शामिल है। याद रहे कि इस बार इंडिया इसमें शामिल नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी स्टूडेंट के स्कॉलरशिप को गेन करने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा हैं। और ये कि आपको इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप सितंबर 2022 में यूके की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने की पोजीशन में हो। एक और सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या आईएलटीएस या इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इस स्कॉलरशिप के लिए मंडेटरी है। तो स्कॉलरशिप के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का किया जाना ज़रूरी नहीं है, तहम आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की हो सकती है। लिहाजा अप्लाई करने के लिए तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट अटैच करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप अवार्ड विन कर लेते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको कह सकती है कि आप लैंग्वेज कोर्स करके आए, या आपकी वीज़े की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो तब आप जो आईएलटीएस है वो कर सकते हैं। ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो सीएससी की तरफ से डिफाइन है, जबकि जो आपकी नॉमिनेटिंग एजेंसी है उसका क्राइटेरिया स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि उसने आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। तो मैंने एचईसी का जो क्राइटेरिया है वो भी आपसे शेयर किया है और आपकी स्क्रीन पर है। एचईसी ये कहता है कि आपको पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, आपके पास कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, आपके पास जो टर्मिनल डिग्री है वो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, यानी आप अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस, एमएससी या एमए में आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका जो एमएस या एमफिल है उसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। एक और बात ये पूछी जा रही थी कि क्या सेकेंड डिवीजन वाले लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इवन आपकी दो अगर सेकंड डिवीजन आपके कैरियर अपडेमिक कैरियर के अंदर हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तहम जो आपकी टर्मिनल डिग्री है उसमें सेकंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। एचईसी की एक और रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए फुली फंडेड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हों मास्टर या पीएचडी के लिए, तो आपको पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल नहीं होना चाहिए करंट सिनेरियो में। और ये कि एचईसी आपसे यूके के सुपरवाइजर का एक्सेप्टेंस लेटर मांग सकती है, और एचईसी को दो से तीन रेफरेंसेस चाहिए होंगे, ये किस स्टेज पर चाहिए होंगे ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, और एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर आपका 70% तक होना चाहिए, तब आप एचईसी के क्राइटेरिया के मुताबिक ये वाला स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है इसको स्टेप वाइज एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में एक स्लाइड पर आपके सामने प्रेजेंट किया है, और वो स्लाइड आपके सामने है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर अपना होस्ट तलाश करना है और उससे विलिंगनेस लेनी है कि वो आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के अंडर होस्ट करने के लिए हैप्पी है। तो यूके यूनिवर्सिटी का जो आपका होस्ट है, आप ऐसा होस्ट तलाश करें जो जिसके फील्ड में, जिसके रिसर्च एरिया में आप दिलचस्पी रखते हों, या जिसकी रिसर्च जिसका रिसर्च एरिया आपके रिसर्च एरिया से मैच करता हो, यानी आपके इंटरेस्ट अगर कॉमन होंगे तो फिर होस्ट आपको हैप्पीली सुपरवाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिसर्च एरिया और आपका रिसर्च इंटरेस्ट उसके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच नहीं करता तो फिर जाहिर है कि वो आपको होस्ट करने से माजरत कर लेगा। लिहाजा आप होस्ट या
सुपरवाइजर तलाश करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कौन सा बंदा आपके रिसर्च एरिया में काम कर रहा है, यानी उसका रिसर्च एरिया आपके प्रीवियस रिसर्च वर्क से मैच करना चाहिए, जो आपने एमफिल या बीएस में थीसिस किया है उससे जो आपका होस्ट सुपरवाइजर है उसका एरिया अगर मुमासलत रखता है तो आप लोगों के कंबाइन होने के चांसेस काफी हद तक ज्यादा हैं और वो आपको आसानी से होस्ट कर सकता है। तो आपने उसकी विलिंगनेस लेनी है और उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। जो दूसरा मरहला है वो ये है कि आपने तीन सूटेबल जो रेफरीज हैं उनका डाटा आपको चाहिए होगा, जिसमें उसका फोन नंबर हो सकता है, उसका ईमेल एड्रेस हो सकता है, उसका परमानेंट एड्रेस हो सकता है, उसका ऑफिस एड्रेस हो सकता है, उसकी सारी डिटेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करनी है। तो इन तीन रेफरीज का डाटा जब भी आप एप्लीकेशन फिल करने लगें तो उसे फिल करने से पहले आपके पास मौजूद होना चाहिए और आप उनसे विलिंगनेस लें कि मैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, तो आपने मुझे रेफरेंस लेटर जो है वो देना है और आपने रेफरेंसेस ऑनलाइन सबमिट करने हैं। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है, जब आपके पास ये दोनों चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर आपने सीएससी की वेबसाइट पर जाना है जिनके यूआरएल आपके सामने हैं और ये यूआरएल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। आप डायरेक्टली क्लिक करके जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन सिस्टम पर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लिंक है जो मास्टर की एप्लीकेशन के लिए है और जो दूसरा लिंक है वो पीएचडी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के लिए है। आप ये वाले अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वाला लिंक ओपन करेंगे। जब ये लिंक आपके सामने ओपन होगा तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, यानी अपना लॉगिन और पासवर्ड बनाएंगे और फिर जो फॉर्म है उसको फिल करना शुरू कर देंगे। अब वो जो सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाता है और उसके उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है और उनके सही आंसर क्या होने चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का सही तरीका क्या है, ये मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। जब आप सीएससी की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर लेंगे तो फिर जो चौथा मरहला है उसमें आपको जो है एचईसी को अप्लाई करना है और एचईसी को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड जो एचईसी का टेस्ट है उसके लिए 800 उसकी फीस है। वो अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उसमें आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। उसकी जो डिपॉजिट स्लिप है वो आपको एचईसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करते हुए दरकार होगी और आपने उसके साथ अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने तो सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आप को कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जो आप फॉर्म के दौरान आपको अपलोड करना पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें एक तो आपके पासपोर्ट की ज़रूरत है और आपके जो ट्रांसक्रिप्ट है उनकी ज़रूरत है और आपकी डिग्रीज की ज़रूरत है और आपके जो होस्ट की तरफ से लेटर है उसकी ज़रूरत है। ये चार चीज़ें आप सीएससी वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप ऑनलाइन सबमिट करने जा रहे हैं उसमें आपको दरकार होंगी, तो ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद होनी चाहिए जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगें। जबकि एचईसी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है उसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें आपकी फी डिपॉजिट स्लिप होगी और आपका रिसर्च प्रपोजल होगा और वो ऑफर लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर जो आपके होस्ट की तरफ से आपने हासिल किया है वो आपने अपलोड करना है जब आप अपनी नॉमिनेटिंग एजेंसी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने लगेंगे। याद रहे कि फुल पीएचडी और फुल मास्टर स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है कि आप बैक वक्त सीएससी को भी अप्लाई करें और आप एचईसी को भी अप्लाई करें, यानी अपनी नॉमिनेटिंग एजेंसी को भी अप्लाई करेंगे। जब आप सीएससी और एचईसी दोनों को आप
अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर चुके होंगे, तो फिर जो आपकी नॉमिनेटिंग एजेंसी है यानी HEC वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और आपका जो GRE टाइप एक टेस्ट है वो कंडक्ट करेगा, जिसमें इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ शामिल होगी। ये सारे MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन इंग्लिश से, 30 एनालिटिकल रीजनिंग से और 30 मैथ के क्वेश्चन होंगे। आपने इस टेस्ट में अपीयर होना है और आपने अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए 70% जो मार्क्स है या स्कोर है वो आपने हासिल करना है, तब आप CSE स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कैंडिडेट की तादाद ज्यादा होगी HEC आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा और उसके साथ ही वो आपसे एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी मांगेगा। अब वो हार्ड कॉपी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे वो मैं आगे चलकर आपको बताने जा रहा हूँ। और इंटरव्यू के बाद जो आपकी नॉमिनेटिंग एजेंसी है HEC, वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो CSE को फॉरवर्ड कर देगा और जो फर्दर इवेल्यूएशन का प्रोसेस होगा वो CSE करेगा, यानी आपकी जो बॉल है वो HEC की कोर्ट से निकलकर CSE की कोर्ट में चली जाएगी। अब CSE ने आपकी एप्लीकेशन पर फाइनल डिसीजन करना है, तो फाइनल डिसीजन किस बेस पर होगा वो मैं आपको आगे चलकर बताने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जब आप टेस्ट पास कर लेंगे और आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा तो फिर आपसे हार्ड कॉपी की शक्ल में एप्लीकेशन HEC मांगेगा और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, उसमें वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने CSE और HEC को ऑनलाइन सबमिट की है उसकी PDF आपने सेव की होगी वो आपसे डिमांड करेंगे, आपके तमाम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किए जाएंगे, CNIC और पासपोर्ट की कॉपी आपसे डिमांड की जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल, 2 रेफरेंस लेटर और आपका जो ऑफर लेटर या प्लेसमेंट लेटर है वो HEC आपसे डिमांड करेगा। ये हार्ड कॉपी की शक्ल में बाइंड करके आपने HEC को फॉरवर्ड कर देना है ताकि वो आप नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर सके। इस तरह नॉमिनेशन की जो लिस्ट होगी वो CSE को फॉरवर्ड कर देगा और CSE फिर फर्दर उन एप्लीकेशंस को इवेल्यूएट करेगा और 3 बेसिक नुकात पर सिलेक्शन करेगा। CSE ने अपना जो सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है उसमें आपका एकेडमिक मेरिट ऑफ द कैंडिडेट और क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रपोजल और पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैंडिडेट होम कंट्री शामिल है, यानी 3 चीज़ों की बेस पे CSE डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन को। और उसमें एकेडमिक मेरिट है कैंडिडेट का, जिसमें जाहिर है उसकी मैट्रिक, FSC, BSc और MSc, MPhil का जो मार्क्स हैं वो मैटर करेंगे, उसकी पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन मैटर करेंगी, उसने अगर कोई अवार्ड विन किए हैं या कई प्राइज उसने विन किए हैं तो वो मैटर करेंगे उसके एकेडमिक मेरिट के अंदर। और जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रपोजल है वो ऑफ कोर्स बहुत मैटर करेगी, और ये रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपका होस्ट है वो उसके साथ आप कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्ट में रहें और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हों उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस करने में भी इवन आप उससे कंटिन्यूअसली मुशावरत करते रहें और रिसर्च प्रपोजल तैयार करने में भी आप उसकी हेल्प लें ताकि आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना सकें। एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल सिर्फ उसी सूरत में बनाया जा सकता है कि आपका जो होस्ट है वो आपके साथ मिलकर काम करे इस रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने के लिए। और यह कि एक सबसे अहम तरीन चीज जो आपके सिलेक्शन में बहुत मैटर करेगी वो है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे उनको किस तरह एड्रेस किया है। अगर आपने उन क्वेश्चंस में जो आपके होम कंट्री को एडवांटेज हो सकते हैं या आपके स्कॉलरशिप का जो आपके होम कंट्री की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हो सकता है, आप के
मुल्क को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का जो आपके कैरियर में क्या रोल हो सकता है और इस स्कॉलरशिप की मदद से आप क्या क्या फ्यूचर अचीवमेंट कर सकते हैं, उनको अगर आपने प्रॉपरली एड्रेस किया है तो आपकी एप्लीकेशन यकीनन इस पोजीशन में होगी कि आप सीएससी का जो स्कॉलरशिप है उसको विन कर सकें। होप फॉर द बेस्ट।